अरे नहीं नहीं आप यहाँ है तो आपका स्वागत करना हमारा सौभाग्य बनता है। सीएसपी साहब के नेतृत्व में सम्माननीय डीआई साहब की जो टीम ने साहसपूर्ण कार्य किया है उसके अंदर जो हमारे स्टाफ के जांबाज सिपाही जो शामिल थे उसमें सम्माननीय प्रशांत जी गुंजाल, हेड कांस्टेबल सोम सिंह जी भदौरिया, हेड कांस्टेबल दिनेश जी गुजर, आरक्षक ईश्वर परिहार जी, आरक्षक मनोहर लाल जी, आरक्षक संदीप जी और आरक्षक हितेश जी हाड़ा, ये तमाम टीम उस मिशन में शामिल थी और उन सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और वो इसी तरीके से जाबाजी के साथ अपने कार्य को अंजाम देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय क्षत्रिय महासभा की पूरी टीम ने सीएसपी साहब, डीआई साहब और उनकी समस्त टीम का जो तीन चार दिन पहले कंजरों से मुठभेड़ हुई और जिस तरीके से इनने साहस का परिचय देके जनता की सुरक्षा के लिए जो कार्य किया उसके लिए आज हम इनका आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हैं। मैं माननीय डीआई साहब के साथ के बारे में कहना चाहूँगा कि जितने अपने कार्य के प्रति लाजवाब हैं उतना ही इनका शानदार व्यक्तित्व भी है। हमने कोरोना काल में भी देखा इनकी पूरी टीम ने, सीएसपी साहब, हमारे एसडीएम साहब और टीआई साहब की इनकी पूरी टीम ने जो अपना कार्य तो किया क्या साथ उसके साथ जनता की जो मदद की है उसके लिए भी हम कृतज्ञ हैं और आज पुनः सभी को इनके लिए बधाई देते हैं। सभी लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, लगातार अपने कार्य को करते हैं और जब भी पब्लिक से ऐसा रिकॉग्निशन मिलता है, अलग संगठन से रिकॉग्निशन मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए पूरी टीम के लिए एक ऊर्जा का स्रोत रहता है और हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी जो प्रशंसा मिलती है और अच्छा करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। तो टी ए साहब और उनकी टीम के द्वारा सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में जो कार्य किया गया है जिसमें कंजरों का डेफिनेटली मतलब पिछली बार लगातार कुछ घटनाएं हो रही थी उसमें इस प्रकार जो मुठभेड़ हुई है, पूरी टीम के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है और एक व्यक्ति को पकड़ा भी गया है और भी जो जाँच में और पूछताछ में जब डिटेल्स निकल के आएंगी तो मुझे पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती है उस पर कमियां आएंगी और जनता से भी इस प्रकार का प्यार मिलता है, सपोर्ट नागदा की पुलिस और प्रशासन को मिलता है, ऐसी पूरी पूरी आकांक्षा है। और पुनः सीएसपी साहब की टीम को, टीआई साहब की पूरी टीम को, मंडी थाना की टीम को ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज क्षत्रिय महासभा के सभी वरिष्ठ सम्मानित सदस्यों द्वारा हमारी पूरी टीम का स्वागत किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी प्रशासन, एसडीएम साहब, सीएसपी साहब और वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में हमारी टीम ने काम किया और लगातार ऐसे काम करते रहे और ऐसे आप नागदा नगर वासियों को जो प्यार मिल रहा है इससे हम लोग के हौसले और अच्छे बुलंद हुए हैं और हम अच्छे से काम करेंगे। स्वागत की बेला के अनुक्रम में निश्चित रूप से ये जो जनता की सुरक्षा का विषय है ये पुलिस से संबंधित है, इसलिए मैं यहाँ की जनता को निश्चित रूप से ये आश्वस्त करता हूँ कि नागदा पुलिस जो है सर्वोपरि अपना धर्म का पालन कर कर्म का पालन करते हुए नागदा नगरवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखेंगे और हमारी नागदा के निवासी अमन चैन शांति से रह सकें इसका हम प्रयास पूरा करेंगे।